हाँ, तो मैं ये आपको बताना चाहता था कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत के लिए कहा कि स्वच्छ भारत, और जब मैं अपनी आंखों से आपको आपके माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि ये स्वच्छ भारत है हमारा, यही हमारा स्वच्छ भारत है, जिसकी वजह से हमारे आने वाली नस्लें जो है वो जहाँ पर ये याद करेंगे वाकई हमारा जो है स्वच्छ भारत है। इस किस्म की हालत हमारे अड्डे में और म्युनिसिपलिटी या टाउन एरिया कमेटी जो है जहाँ पर बिल्कुल सोई हुई है, बिल्कुल इनको पता नहीं है कि जहाँ पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये हालत है बस स्टैंड की। ये लखनपुर से जिस टाइम ये आता है ना, जो पहला टाइम जो पंजाब से आता है, जो यही डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, और ये डिस्ट्रिक्ट जो है बिल्कुल जो दिखा रहे हैं हम, ये बहुत अच्छी पोजीशन में है। ये तो क्या कभी उस वक्त भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे अपना चेयरमैन साहब से भी बात हुई थी हमारी, हमने उनको भी बताया ये हमारे अड्डे की पोजीशन है। तो बाकी रही बात रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू की बात रही तो हम साल महीने में मतलब कि अब तो 30 रुपये पर गाड़ी के हिसाब से इन्होंने लेना शुरू कर दिया है, लेकिन हमने लाखों रुपये 1992 से लेकर आज तक लाखों रुपये हमने दिए हैं इस अड्डे के लिए, लेकिन अड्डे की पोजीशन जो है ये है। अगर जितने पैसे हैं 1992 से लेकर आज तक जितने पैसे दिए हैं, अगर पैसे ये इकट्ठे होते तो ये इस किस्म के 3 अड्डे बन सकते थे और नए 3 अड्डे बन सकते थे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ा कि म्युनिसिपैलिटी ने जितने भी लिए हैं वो किसी और जगह पर लगाए हैं, इस बस स्टैंड पर नहीं लगाए। मैं हरशपाल सिंह, जनरल मैनेजर जम्मू कठुआ पैसेंजर बस सर्विस। मैं आज आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बस स्टैंड कठुआ में 1992-93 में जहाँ पर आया था, नीचे से जहाँ पर आया था, तो आज तक जी जितना भी हमारा एरिया है पीसी आप देखेंगे भंग इतनी चढ़ी हुई है कि हद से ज़्यादा है। सड़कों की हालत, बस स्टैंड के अंदर की हालत इतनी है कि मेरे ख्याल में 1993 का ही जो जहाँ पर लुक पड़ी थी, उसके बाद अपना टाउन एरिया कमेटी ने लुक नहीं जहाँ पर डाली। अपने बिजली की हालत देखो, रात की जो पोजीशन होती है कि रात को बत्ती बिल्कुल नहीं होती, जहाँ पर गाड़ियों का तेल निकल जाता है, इवन के जहाँ पर बैटरी वगैरह सब कुछ निकल जाता है, ड्यू टू किसकी खातर, बत्ती नहीं होती, बिजली नहीं होती। जहाँ पर ये इतना बड़ा इन्होंने मतलब कि बस स्टैंड में ये अपना बनाया, ये हॉल बनाया, ये ऊपर पैसेंजर जो जहाँ पर कोई आएगा, जहाँ पर बैठेगा, गर्मियों के दिन है, जहाँ पर कोई पंखा वगैरह बिल्कुल नहीं है। सो मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर किसी किस्म की भी हमारे कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जहाँ पर किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं दी उन्होंने। पानी की हालत देखो, पानी की हालत बस से बदतर है, जहाँ पर ड्राइवर कंडक्टर को नहाने के लिए, पीने के पानी के लिए, जहाँ मतलब कि किसी जगह पर बाथरूम वगैरह लेटरिन जाने के लिए कोई मतलब कि इतनी सुविधा नहीं है। जो है एक वो भी एक हाथी के दांत दिखाने वाली बात है। तो मैं तो ये कहूँगा अपना इस कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने कॉरपोरेशन को जो ये हैंडल कर रही है अड्डे, बस स्टैंड में अड्डे देते हैं हम 1992 से लेकर आज तक जितने भी अड्डे दिए हैं हमने, जितना अड्डा जहां पर दिया उस अड्डे से 3 गुना ज़्यादा जहां पर बस स्टैंड और नया बन सकता था, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, इस कठुआ के एक मतलब के टाउन एरिया कमेटी ने बिल्कुल भी बस स्टैंड की तरफ ध्यान नहीं दिया, और ये पैसा जो है हमारा, ये पैसा किसी दूसरी जगह पर लगाया उन्होंने जहाँ पर बस स्टैंड के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया। मेरा ड्राइवर कंडक्टर जो जहाँ पर रात को सोता है, जहाँ पर रहता है, इतना मच्छर है कि जहाँ पर मैं कहता हूँ कि
एक मैं चैलेंज करता हूँ म्यूनसिपल अपना टाउन एरिया कमेटी के AO साहब हो चाहे चेयरमैन हो या बाकी कोई स्टाफ हो, एक रात को जहाँ पर निकाल कर देखें वो कैसे रात जहाँ पर गुजरती है। ये भी एक मतलब के इंसान है, इनको गाड़ी सुबह चलानी होती है, शाम को अगर जहाँ पर रहना है इनको, तो ये भी मतलब के एक हिंदुस्तानी है, इनके लिए भी थोड़ी सी फैसिलिटी होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल आज तक कठुआ एरिए में जो एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ की है बिल्कुल बस स्टैंड की बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो ये अपना सिस्टम जो है ये ठीक कर लें, अदरवाइज़ हम जो हमारा पैसा जो है सही तरीके का पैसा जो हमारा जो है वो बस स्टैंड पर लगना चाहिए। अगर नहीं लगा तो हम पैसा भी बंद कर देंगे, हम नहीं देंगे अड्डा। क्यों देंगे अड्डा? किसको देंगे अड्डा? किस लिए देंगे अड्डा? हम अड्डा हमारा किस लिए होता है कि जहाँ पर फैसिलिटी देने के लिए, फैसिलिटी तो कोई है नहीं है। पानी पीने के लिए तो पानी नहीं है, ड्राइवर को अगर पानी पीने के लिए जाना हो तो वहाँ पर जाना पड़ता है, बाथरूम के पास जाना पड़ता है, वहाँ पर वो पानी लेगा, वो पीने के लिए तो होता नहीं है। जहाँ पर वेसलिन बॉटल जो है वो भी 20 रुपये की, 25 रुपये की, 30 रुपये की आती है, तो कहाँ से ये क्या है? ये मैं अपील करता हूँ AO साहब को, चेयरमैन साहब को, क्योंकि पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, अपील कर चुके हैं। आज 10-15 दिन पहले की बात है, मैं वहाँ पर भी गया था, ऑफिस में गया था, वहाँ पर भी मैंने एक अपील की थी कि वहाँ मेरे बस स्टैंड को देखा जाए। आज 3-4 दिनों मैंने फिर मतलब के जहाँ के चेयरमैन साहब को टेलीफोन पर बात हुई, उनको कहा कि बस स्टैंड की हालत देखो, सड़क की हालत देखो, वहाँ पर जो बस स्टैंड के अंदर है लोक वगैरह कोई सिस्टम है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तो ये समझते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपोर्टर जो है बिल्कुल मतलब कोई बोलता नहीं है, तो इनको जितना भी दबाया जाए इतना खरा है। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं आज डी साहब को भी मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डी साहब बदकिस्मती हमारी कि डी साहब जहाँ पर है नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन है। तो मेरी कोशिश होगी कि डी साहब को भी इसके बारे में बताया जाए कि हमारी जो पोजीशन है कठुआ बस स्टैंड की जो पोजीशन है ये मैं थोड़ी सी उनके नाले में भी लाना चाहता था।